Good morning, children. Class 2nd. Today is your English online class, and I am your English teacher, Sudha Ma'am. Hope you all are fine, children, and staying happy. So, let's start today's class. Today's date is 6th of Jan 2021. Let's open the book. So, children, we are going to do unit 7. Second chapter, make it shorter. I have done on my blackboard. I can draw this poem. I have already explained you, and we have finished the uh, chapter in the copy also. Now, today we will do a story of make it shorter. So, open the page. So, children, this is your story, make it shorter, page number 111. Now, this story is of Akbar and Birbal. ये एक अकबर और बीरबल की कहानी है उनमें से एक है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन आप जैसा कि जानते हैं बीरबल बहुत इंटेलिजेंट थे और अकबर uh, उन्हें बहुत लाइक करते थे उनके इंटेलिजेंस पे सो दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम अकबर एंड बीरबल टेल्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी द चैप्टर नेम इज़ मेक इट shorter वन डे अकबर ड्री यू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर मेक दिस लाइन शॉटर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट एक दिन अकबर यानि राजा ने एक लाइन फ्लोर पर ड्रॉ की और सबको ऑर्डर दिया कि इसे छोटा बना दो लेकिन याद रहे कि इस लाइन को बिना रब किए बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करना है तो ऐसा ऑर्डर अकबर ने सबको दिया और वहां पे सामने जितने लोग थे उनके सामने ये बात रखी सो चिल्ड्रेन टर्न द पेज नो वन न्यू व्हाट टू डू मिनिस्टर द लाइन पजल्ड किसी को नहीं पता चल रहा था कि बिना इस लाइन को रब किए इस लाइन को हम छोटा कैसे कर सकते हैं आपस में सब परेशान होने लगे चिंतित हो गए कि कैसे इस लाइन को बिना छुए बिना मिटाए छोटा किया जाए ईच मिनिस्टर लुकड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड हर एक मंत्री उस दरबार में जो था वो पजल्ड था यानि अचंभित था कि कैसे हो सकता है नो वन न्यू नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि इसको किस तरीके से लॉन्गर किया जाए और नो वन कुड थिंग ऑफ हाउ इट कुटर विदाउट इरेजिंग इट यहाँ तक कि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाइन को छोटा किया जाए बिना मिटाए और लॉन्गर भी कैसे किया जाए तो वहाँ पर कौन खड़ा था बीरबल बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वाज़ हिज टर्न बीरबल वहाँ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे और उनकी जब बारी आई ही वेंट नियर द लाइन वो उस लाइन के यानी लकीर के पास गए बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग यानी वो मुस्कुरा रहे थे नेक्स्ट लाइन बीरबल ट्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर फर्स्ट वन बीरबल ने उस लाइन के जस्ट बगल एक एक लंबी लकीर लाइन खींच दी ही उसको बिना छुए उसी के बगल नीचे उसके एक लंबी लाइन खींच दी एवरी वन इन द कोड सॉ वट ही ड्रेट दैट्स ट्रू द फर्स्ट लाइन इज शॉर्ट ए नाउ सारे लोग जितने दरबारी लोग थे वहाँ पे जितने मंत्री थे वहाँ पर वो सब एकदम हैरान रह गए कि बिना छुए कैसे बीरबल ने एक लाइन लंबी सी खींच दी और वो लाइन जो पहले राजा ने खींची थी वो शॉर्टर हो गई उसके सामने तो राजा ने जो कहा था ऑर्डर दिया था उसको बीरबल ने अपने सूझबूझ से और अकलमंदी से कैसे पूरा कर लिया सो दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रेन इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी बट वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ स्टोरी ऑफ अकबर एंड

चैन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो आप ऐसे राइट कर लेंगे वर्ड एक्सेंट मीनिंग फर्स्ट मीनिंग इज ड्रिव एक्सेंट इज दिस एंड द मीनिंग ऑफ इट इज़ खींचा ऑर्डर ऑर्डर मीन्स आदेश ओके okay? जो आज्ञा कोई करता है या आदेश देता है उस उसको उसका पालन करना ओके okay? ऑर्डर आदेश शॉर्टर शॉर्टर मीन्स छोटा अकबर ने कैसी लाइन बनाई थी छोटी लाइन यानी शॉर्टर रब रब मीन्स रगड़ना ओके जैसे आप बोर्ड पे डस्टर को इरेज करने के लिए रब करते हो बोर्ड पे उसको रगड़ना कहते हैं रब मीन्स रगड़ना मिनिस्टर मिनिस्टर मीन्स मंत्री राजा के दरबार में जो जितने लोग बैठे रहते हैं तो उन्हें मंत्री कहते हैं मिनिस्टर पजल पजल मीन्स उलझन ग्रस्त यानी किसी बात को समझ ना पाना चिंतित रहना पज़ल्ड सारे लोग पजल्ड थे ना, जब राजा ने कहा कि इस लाइन को बिना छुए बिना इरेज किए इस लाइन को शॉर्टर बनाना है तो सारे जितने मिनिस्टर्स थे वो पज़ल्ड हो गए है ना तो पज़ल मीन्स उलझन ग्रस्त लॉन्गर लॉन्गर मीन्स लंबा शॉर्टर छोटा और लॉन्गर लंबा इरेस इरेस का मीनिंग है मिटा देना स्माइलिंग स्माइलिंग मीन्स मुस्कराते हुए टर्न टर्न मीन्स बारी बीरबल की जब बारी आती है यानी उसकी टर्न जब आती है तो बीरबल ने एक और एक लाइन ड्रॉ कर दी थी है ना तो टर्न मीन्स बारी अंडर अंडर मीन्स सबको पता है नीचे अंडर मीन्स नीचे कोर्ट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर्ट दरबार जहाँ पे राजा बैठते हैं बैठक मीटिंग होती है वहाँ पे उसको दरबार कहा जाता है Quote means Darbar. So these were the word mini children. Now we will move to question and answers. First question from the book. Here it is. Reading is one. What did Akbar order one day? Akbar drew a line and ordered to make it shorter. This is your first answer. Second question How did Birbal make the line sorry what did each minister do this is the second question the answer for second question is this each minister looked at the line and was puzzled how can the line become shorter this is the second answer now next question question number 3 how did birbal make the line shorter the answer for this is this birbal drew a lo longer line under the first line to make it shorter

र र का साउंड आर का साउंड हमें नहीं सुनाई देता जब हम शॉर्ट बोलते हैं ओके सेम वे शॉर्टर भी है इसमें भी आर है तो हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे ये शो करने के लिए कि इसका साउंड हमें हर्ड नहीं होता नेक्स्ट ब्राइट बी आर आई जी एच टी तो द साउंड ऑफ जी इज नॉट बीन हर्ड इन दिस वर्ड डार्क डी ए आर के टू सर्कल आर Because the sound of letter लेटर आर not been heard light लाइट i g h t same सेम वे जी it जी बिग b i g बिग b i g g e r बिगर इसमें जी का साउंड आ रहा है तो हम इसमें नहीं सर्कल करेंगे फास्ट इसमें भी हमें एस का साउंड हीर हो रहा है तो इन दोनों वर्ड्स को हम सर्कल नहीं करेंगे ओके सो यू हैव टू सर्कल आर इन दिस वर्ड

द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट आपके राइट right साइड में आपको स्मॉलर बॉल बनाना है और लेफ्ट में उससे बड़ा यानि बिगर बनाना है तो आपको अपनी ड्रॉइंग पेंसिल से ड्रॉ करना होगा एक बिगर बॉल और एक स्मॉलर बॉल सेम वे इन द सेकेंड क्वेश्चन रीटा इज शॉर्टर देन राधा तो आपको टू गर्ल्स बनानी होगी और रीटा जो है शॉर्टर है राधा से तो राधा को टॉलर बनाना है और रीटा को शॉर्टर बनाना है थर्ड क्वेश्चन में रघु बास्केट इज हैवियर देन रतनस तो आपको रघु का जो बास्केट है वो थोड़ा सा बड़ा बताना है ताकि वो हैवी लगे और जो स्मॉल है वो लाइटर होगा तो रतन में आपको स्मॉल बास्केट बनाना होगा और रघु के बॉक्स में आपको बिगर बॉक्स बना बास्केट बनाना होगा नेक्स्ट फोर्थ वन रजत इज टॉलर देन राज राज को आपको टॉलर बताना है जैसे राधा और री, रीटा में आपने किया था और रजत को आपको स्मॉलर बनाना है सो दीज आर द ड्राॅइंग्स विच डू एंड इफ़ यू कैन नॉट ड्रा यू कैन पेस्ट पिक्चर्स ऑल्सो एज यू कैन सो यू हैव टू कम्प्लीट इट ओके यू कैन ड्राइज और यू कैन पेस्ट पिक्चर्स नेक्स्ट देर इज़ अ पिक्चर स्टोरी ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन एक पिक्चर स्टोरी है इसको हम करेंगे ओके द माउस एंड द पेंसिल ये एक माउस और पेंसिल की स्टोरी है और इस स्टोरी में एक माउस है जो कि पेंसिल को खाने चलता है और वो पेंसिल उससे बातें करती है लेट्स सी व्हाट इज देयर वन डे वन डे अ लिटिल माउस वाज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट ही फाउंड अ पेंसिल एक दिन एक जो चूहा था वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था और उसे एक पेंसिल मिलती है आई एम गोइंग टू बाइट यू माउस ने पेंसिल से कहा सेट द माउस एंड ही बिट इट हार्ड और उसे वो काटने चला यू आर हर्टिंग मी सेट द पेंसिल पेंसिल से आवाज आई कि तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो क्यों मुझे खा रहे हो लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू वॉट यू लाइक पेंसिल ने माउस से कहा कि मैं एक आखिरी पिक्चर तुम्हारे लिए बनाता हूँ और फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो तो चूहा जो माउस था माउस ने कहा वेरी वेल सेट द माउस माउस ने कहा ठीक है अच्छी बात है नेक्स्ट द पेंसिल रियू अबेग सर्कल पेंसिल शुरू हो गई ओके okay? ड्राइंग करना उसने एक बोर्ड पर ड्राइंग किया आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्लेट है यहाँ पे और पेंसिल वहाँ पे एक सर्कल बना रही है तो पेंसिल ड्रियो अबेग सर्कल पेंसिल जो है शुरू हो गई एक सर्कल बनाना इस चीज आक्स माौस। माौस ने कहा क्या ये चीज है टर्न द पेज विल कॉल इट अ चीज द पेंसिल एंड इट जी लिटिल सर्कल्स इन साइड बिग वन पेंसिल ने कहा माउस से कि हाँ हम इसे चीज़ बुलाएँगे और फिर पेंसिल फिर आ, आगे और सर्कल्स बनाने लगी देखिए आप ऐसे देख सकते हैं एक सर्कल बड़ा बना है फिर उसके अंदर बना है बड़ा सा सर्कल फिर उसके अंदर एक तो वहाँ उसने थ्री थ्री सर्कल्स बना दिए डेट्स एन ऐप्पल स्क्वीज द माउस माउस ने कहा यह तो एप्पल है लेट्स कॉल इट एन ऐप्पल पेंसिल ने कहा ठीक है इसे एप्पल ही बना कहते हैं एंड इट बिगैन ड्राइंग सम फनी थिंग्स द सेकेंड सर्कल फिर वो पेंसिल जो थी वो कुछ कर्व्स बनाने लगी और ड्राॅइंग करने लगी कुछ इस तरह की इस, इस तरह वाई दोज आर कुकुम्बर्स क्यों माउस ने कहा क्यों ये कुकुम्बर है सेट द माउस लेकिन लिप्स ओके उसके मुंह में पानी आ रहा था उसे लगा कि कुकुम्बर है आई विश यूड हरी आई सिम्पली कॉन्टवेट टू गेट माई तीन इन टू डेम माउस ने कहा पेंसिल से कि पेंसिल जल्दी करो इसको कंप्लीट करो मैं रुक नहीं सकता मैं इसे खाना चाहता हूँ कुकुम्बर को द पेंसिल डू टू लाइन्स ट्राइंगल ऑन द टॉप सर्कल अब <coughs> जो है पेंसिल ने सर्कल के ऊपर ये दो ट्राइंगल शेप्स के ईयर्स बना दिए ओ उसको दाउस ना यू है कैट डोंट गो ऑन माउस जो है डर गया उसे ये कैट के शेप में लग रहा था और माउस ने पेंसिल से कहा अब तुम इसको और नहीं बनाना ओके okay, पेंसिल से कहा बट पेंसिल रुकी नहीं नेक्स्ट पेज बट द पेंसिल वेंट ऑन टिल इट हैड ड्रॉन लॉन्ग विस्कर्स एंड अ माउथ ऑन द टॉप सर्कल पेंसिल जो थी वो रुकी नहीं और वो पूरी ड्राइंग कैट की कंप्लीट करती गई उसने विस्कर्स बना दिए हैंड्स लेग्स बना दिए आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना और माउस जो था वो डर गया एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर खूब बहुत डर गया वो और चिल्लाया इट्स अ रियल कैट हेल्प बचाओ ये तो सचमुच एक बिल्ली है बचाओ बचाओ ऐसा कहकर माउस जो था वो भाग गया और अब आपको क्या करना है नाउ सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माउस आपको अपने रफ में एक कैट बनानी है जो कि रियल कैट की तरह दिखे तो ये थी स्टोरी पेंसिल और माउस की आपको सिर्फ इसको रीड करना है चिल्ड्रेन यू हैव टू जस्ट रीड दिस स्टोरी सो दैट इट कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड रीडिंग लेवल सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आपको वर्ड मीनिंग्स राइट करने हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज जो कि मैंने अभी आपको करवाया था ये है और ये सो चिल्ड्रेन एंड देन यू हैव टू कम्प्लीटेड दिस कर्सिव हैंड राइटिंग है ए पेज नंबर वन हंड्रेड एंड नाइनटीन पे आपको ये कंप्लीट कर लेना है इट्स एन होमवर्क ओके जस्ट पुट द डेट ओवर यर सो दैट यू कैन रिकलेक्ट ऑन विच डे वी हैव डन दिस वर्क यू कैट ऑन द मैट यू हैव टू कम्प्लीट यू जस्ट हैव टू ट्रेस इट ओके ट्रेस करना है आपको अच्छे से डेट्स योर होम चिल्ड्रेन ना डू यम वर्क एंड संड इट ऑन संडे एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स चिल्ड्रेन सून योर एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट सो आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से आपके एग्जाम्स जल्द ही शुरू होंगे ओके थैंक यू टेक केयर हैव अ नाइस डे